तो फ्रेंड्स मेरा जो काम है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने दोनों टायर्स के ब्रेक पैड्स क्लीन कर लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे कार के ऊपर है। ये मेरा i20 है और इसका मैं डिस्क ब्रेक के आज ब्रेक पैड चेंज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी कार में फ्रंट डिस्क ब्रेक है और रियर में है लाइनर जो ड्रम ब्रेक है। तो फ्रेंड्स रियर ड्रम ब्रेक की जो लाइनर है वो अभी रिसेंटली चेंज किए हैं 8-9 महीने पहले, जब मैंने इसका एयरबैग का काम किया था सर्विस सेंटर में। मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी है। तो सर्विस सेंटर की गलती की वजह से ये मेरे लाइनर दोनों डैमेज हो गए। उन्होंने विदाउट हैंड ब्रेक रिलीज़ किए, कार को रन किया और लाइनर ब्रेक हो गए। उसमें का 50% मुझे पे करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके लाइनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो मैंने जाने दिया, अपनी कार है तो मैंने पेमेंट कर दिया। तो आज मैं इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक का ब्रेक पैड चेंज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये डिस्क है, ये भी पूरा मेरा घिस गया है। इसी से मुझे पता चला कि मेरे ये ब्रेक पैड्स गए। तो ये आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट ये डिस्क को भी फेसिंग करना पड़ेगा मुझे। तो ये फेसिंग जो है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट महीने में करने वाला हूँ, क्योंकि ये फेसिंग के लिए गैरेज वाले के पास कार लेके जाना पड़ेगा और वो पूरा ओपन करके फिर वो लेथ मशीन पे फेसिंग होता है। फ्रेंड्स का वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए मैं कार को फटाफट जैक पे लगा लेता हूँ, टायर को निकाल लेता हूँ और ये कैलिपर से लाइनर को कैसे निकलते ये मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने कार को जैक पे लगा के टायर को भी निकाल दिया और टायर को सेफर साइड कार के नीचे रख दिया। तो अभी फ्रेंड्स इसका जो कैलिपर का यहाँ पे नट होता है 12 नंबर का, वो मैं लूज़ कर लेता हूँ। तो ये 12 नंबर का पाना है। ये 12 नंबर का नट निकालने के बाद ये देखो, ये कैलिपर ऐसे ओपन होता है और यहाँ से ये पूरा निकल जाता है कुछ इस तरह। यहाँ पे मैं सेफर साइड रख देता हूँ क्योंकि अगर इस पे प्रेशर आ गया तो फिर ये जो ऑयल का जो पाइप है ये भी डैमेज हो सकता है। अभी फ्रेंड्स ये देखो, ये डिस्पैड है, मुझे लगता है शायद अवेलेबल है। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा स्क्रूड्राइवर और ये सीधा ऐसे कुछ इस तरह ओपन हो जाता है। ये देखो, ये आपको अभी डिस्क का जो कंडीशन है दिख रहा होगा, ये पूरा लाइनिंग आ गया। और ये देखो पैड्स, पैड जो है फ्रेंड्स हार्ड हो चुके हैं। देखता हूँ चेंज करते हैं या फिर इसको पॉलिश पेपर से घिसते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो, यही वो जगह है जहाँ पे ग्रीस अप्लाई करते हैं। आपने काफ़ी ब्रेक सर्विस की वीडियो में देखा होगा कि ग्रीस अप्लाई करते, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल वाला ग्रीस नहीं लगाते। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कौन सा ग्रीस अप्लाई करते। उसमें हाई टेम्परेचर वाला ग्रीस आता है वो लगाते, रेड कलर का रहता है वो। तो वो फ्रेंड्स ग्रीस अलग से कार के स्पेयर पार्ट्स की शॉप में मिल जाता है, अपने शैम्पू जैसे पैकेट में भी मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। जो गैरेज वगैरह रहते हैं उनके पास अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी मेरा पूरा सूख गया है क्योंकि मैंने इसका जो लास्ट टाइम सर्विस किया था वो 2019 में किया था, लॉकडाउन के पहले 19 दिसंबर, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। उसके बाद 2 साल तो लॉकडाउन में गए और 2 साल में मेरा कार ज़्यादा रनिंग भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे जो डिस्क पैड है इनका साइज़ जो है काफ़ी है, 70-80% अवेलेबल है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं पॉलिश पेपर से साफ़ कर लेता हूँ और ये जो डिस्क है इसको भी मैं पॉलिश पेपर से साफ़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ब्रेक पैड्स और ये डिस्क को पॉलिश पेपर से साफ़ कर लिया, अभी मैं ये ग्रीस को लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, यही वो ग्रीस है रेड कलर का, ये मुझे कार के स्पेयर पार्ट की शॉप से मिला है, कैस्टोर का है ये। और फ्रेंड ये भी वो ग्रीस है, वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। बाकी लोग लगाने के लिए नॉर्मल ग्रीस भी लगाते हैं, वो चल जाता है बट वो हाई टेम्परेचर पे पिघल जाता है। बाकी अदर ग्रीस ये उसी के लिए बना है। अगर ये आपको आपके पार्ट्स के शॉप में नहीं मिला तो ये अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड्स में। कैस्टोर का नहीं है बट वैक्सपॉल का है और अदर अदर ब्रांड्स के, वो भी चल जाएगा। और सेफर साइड थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ ताकि ये जो पैड से वो प्रॉपर स्मूथ चले। मामा
और फ्रेंड्स ये जो स्क्रू है इसमें भी लगाना है, बट इसमें जब मैं कैलिपर को लगाऊँ उसके बाद ये जब नट लगाऊंगा उसी टाइम लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कैलिपर को लगा दिया है, ये नट को भी लगा दिया है, पैड को भी लगा दिया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको अभी मैं स्प्रे पेंट मारने वाला हूँ। ये सिल्वर कलर का है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले स्प्रे पेंट किया हुआ है। इसको ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, देखो ऊपर आई कट में आया है। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी इसके लिए मार रहा हूँ क्योंकि ये अभी ब्रेक सर्विस के लिए तो 1-1.5 साल तो खुलेगा नहीं, और खुलेगा तो पंचर के लिए खुलेगा, बट वो कहीं पे भी खुल सकता है टायर। ऐसा नहीं कि जब मैं घर पे हो तभी वो पंचर के टाइम खुलेगा, तो उस समय तो मेरे पास स्प्रे पेंट होगा नहीं। इसके लिए मैं अभी मार लेता हूँ सेफर साइड। तो फ्रेंड्स मैंने अभी टायर को भी लगा लिया और सारे नट को भी टाइट कर लिया है। अभी आपको मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्या है वो। मैंने अभी फ़िलहाल जैक से उतारा है बट फुल टाइट किया नहीं है। तो ये कभी भी आप फ्रेंड टायर के जो नट है वो आप टाइट करोगे तो कभी भी अपोजिट साइड से टाइट करना। अगर इसको आप टाइट करोगे तो फिर इसके टाइट करना, उसके बाद इसको टाइट करोगे तो इसके आप टाइट करना। ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक सर्विस आप घर पे नहीं करते होगे, आप शॉप पे करते होगे, बट टायर पंचर के टाइम तो आप टायर आप खुद खोलते होगे। तो ये प्रिकॉशन ज़रूर करना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये प्रॉपर टाइट नहीं करोगे टायर नहीं निकलेगा, बट इसके अंदर का जो बेरिंग है वो फ्रेंड डैमेज हो जाता है और एक अलग से नॉइज़ आना चालू हो जाता है। ये आप प्रॉपर टाइट करोगे टायर प्रॉपर फिट होगा, अलाइनमेंट भी प्रॉपर होगी और आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो अभी मैं फ्रेंड्स अपोजिट साइड का टायर खोल लेता हूँ। ये ड्राइवर साइड का टायर का मैंने फ्रेंड्स डिस्क का जो ब्रेक पैड है वो क्लीन किया, अभी मैं उसको कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी दूसरे टायर को, ये कैलिपर को भी ओपन किया है, ये देखो पैड को भी ओपन कर गया। अभी इसको मैं अच्छे से पॉलिश पेपर से साफ़ कर लेता हूँ पैड्स को और डिस्क को। तो फ्रेंड्स पॉलिश पेपर से अभी साफ़ हो चुका है ये डिस्क पैड और डिस्क। अभी करते हैं ग्रीसिंग। सेफर साइड फ्रेंड्स ग्रीस को यहाँ पे भी लगा लेता हूँ ताकि पैड जो है अच्छे से फ्री रहे सेम अपोजिट में। तो फ्रेंड्स अभी डिस्क पैड को भी लगा दिया है, कैलिपर को भी लगा दिया है, वो जो नट है उसको भी टाइट कर लिया है। अभी मैं फ्रेंड्स ये कैलिपर को भी स्प्रे पेंट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी कैलिपर पे भी स्प्रे पेंट मार के हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरा जो काम है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने दोनों टायर्स के ब्रेक पैड्स क्लीन कर लिए, साफ़ कर लिए, ग्रीसिंग कर लिए। अभी बात करते हैं ब्रेक ऑयल की। तो फ्रेंड्स मैंने इसका जो ब्रेक ऑयल है अभी 3-4 महीने पहले रिप्लेस किया हुआ है, मेरे चैनल पर उसका वीडियो भी है, ये देखो उसका आई कट में लिंक आया है। तो उसमें मैंने चारों टायर और क्लच का ऑयल बेडिंग देखा है, प्लस मैंने पूरा ऑयल चेंज किया हुआ है। मेरा .4 था मैंने .3 डाला है। और ब्रेक सर्विस के टाइम ये ब्रेक का ऑयल ब्लीडिंग करना ज़रूरी है। अगर आप पूरा ऑयल चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ऑयल को टॉप अप करके ब्रेक ऑयल को ब्लीडिंग ज़रूर करना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यही पे एंड कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।